जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं भारत की सबसे पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटियां। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्या आया था? अन्ना मुंडी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था, ठीक है। तो हो सकता है आपके री एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा या किसी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता, जो कि सबसे आसान और सबसे कम समय में एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले है साथियों पंजाब हिमालय, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गाडविन आस्टिन, जिसकी लंबाई है 8611 मीटर। इसे हम बोलते हैं K2। क्या बोलते हैं? K2, ठीक है, इसी का नाम है K2, ठीक है। तो पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गाडविन आस्टिन, ठीक है, जो कि यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की, जब कहेगा कि भारत की माने क्या हो गया? K2, कौ से के हम पकड़ सकते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन। बोलेगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, जब मैं कहेगा तो कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ती है, कंचनजंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है भैया, इन दोनों चीजों में कन्फ्यूजन नहीं होता है। जब कहेगा कि भारत में तो कंचनजंगा, जब बोलेगा भारत की तो K2, गाडविन आस्टिन, ठीक है, उसी का नाम है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे इसको हम याद करेंगे। लिखा है पंजाब हिमालय का है गाडविन आस्टिन, या लिखा है पंजाब जाब जाब। आ जाब मन क्या होता है? नौकरी लग जाना। नौकरी कैसे लगेगा? जब आप भगवान को मन्नत करेंगे, मानेंगे। किसको? भगवान माने गाड जी को, गाड, ठीक है, गाड से गाडविन आस्टिन याद कर सकते हैं। पंजाब जाब चाहिए तो हम गाड़ भगवान की पूजा करेंगे, सिंपल है, याद हो गया। आगे है कुमायूं हिमालय, और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धौलागिरी। क्या है? धौलागिरी, जिसकी लंबाई है 8167 मीटर, ठीक है। कुमायूं माने शब्द है इसमें कमाना, कमाने जाना, ठीक है। कमाने आदमी जाता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, भैया कमाने जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ढोल नगाड़ा बजता है तो ढोल से हो जाएगा धौलागिरी, ठीक है, सिंपल है, याद कर सकते हैं भैया। आगे है नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। उसकी लंबाई है 8848 मीटर, 8848, ऐसे याद करेंगे आपको आसानी से याद रहेगा। 0.86 की लंबाई भैया बढ़ गई है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा तो 8848.686 देगा, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए सिंपल है, नेपाल में पड़ता है आपका माउंट एवरेस्ट, तो सबसे ऊंची चोटी यही हो जाएगी, ठीक है। आगे है असम हिमालय, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा, ठीक है। असम, यहाँ लिखा है असम मने क्या होता है? आसमान। यहाँ लिखा है जंगा मले जग, ठीक है ना, कहते हैं जग, पूरा जग, ठीक है। तो कंचनजंगा, असम मतलब कंचन कैसी है? असम टाइप है, ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। आगे है अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्ना मुंडी। क्या है? अन्ना मुंडी, लिखा है अन्ना मलाई। क्या है? अन्ना मलाई, यहाँ अन्ना मुंडी, सिंपल है, दोनों एक साथ बैठाएंगे, इसमें भी अ अ सिंपल है, याद हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। कहेगा क्वेश्चन कहेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अन्ना मुंडी है, जो कि अन्ना मलाई पर्वत श्रृंखला पर पड़ती है, ठीक है, अन्ना मुंडी, ठीक है, यह दक्षिण भारत की प्रथम मतलब सबसे ऊंची चोटी है। आगे है नीलगिरी पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धोधा बेटा। क्या है? धोधा बेटा। नीलगिरी तो नीला क्यों पड़ गया है कोई? क्योंकि उसका बेटा कैसा है? धोधा है, धोधा, ठीक है, धोधा बेटा, या कह सकते हैं नील को, नीला नील लग गया किसी के, आप ही यदि कह सकते हैं नील, यहाँ लिखा है नील, नील लग जाता किसी के ऊपर मान लीजिए तो उसको धो दो, ठीक है, पानी से धो दो, तो धोधा बेटा, ठीक है, उसका बेटा धो देगा, ऐसे हम याद कर सकते हैं। देखिए भारत का थोड़ा सा नक्शा यहाँ पर देख लेते हैं, ये है आपका भारत का नक्शा, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे, इधर जो बोलते हैं पूर्व में इसे बोलते हैं पूर्वी घाटी, और इधर जो है इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। तो कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसे बोलते हैं पूर्वी घाट, इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है, और इनका भी एक एक नाम है।
और यहाँ पर जो इनके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर आके मिलता है वहीं पर आपकी बनती है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो इन दोनों के मिलन बिंदु को ही नीलगिरी पहाड़ी बोला जाता है। ठीक है, इसी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धोधा बेटा। ठीक है, कभी कभी पूछता है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा, तो ये ठीक है क्वेश्चन जैसे भी पूछेगा आप बता लेंगे, सिंपल है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। लिखा है सतपुड़ा, मतलब सात दिन क्या लेना चाहिए? धूप लेना चाहिए, धूप धूप। ठीक है, तो सतपुड़ा माने सात दिन धूप लेना चाहिए, तो धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम हो गया। आगे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। यहाँ लिखा है अंडमान शब्द अंडा, अंडा खाएंगे तो भैया सैंडल लगेगा, किसका? आपकी पत्नी जी का सैंडल लगेगा। अगर अंडा खाएंगे तो कहेगी अंडा खाएंगे तो हम आपको सुलाएंगे नहीं, मारेंगे सैंडल से। ठीक है, सैंडल से सैंडल, सैंडल पीक। ठीक है, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। आइए और देखते हैं आगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जानते हैं कहाँ पड़ता है? ये भारत के इधर पड़ता है। ठीक, यह है। आइए साथियों आगे देखते हैं लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नारचो है। क्या है? नारचो। जब आप लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो आदमी क्या करता है? नाचने लगता है। ठीक है, जब हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है तो खुशी के मारे आदमी नाचने लगता है, नाचने से हो जाएगा नारचो। ठीक है, नारचो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आगे है विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। यहाँ पर है विंध्याचल, विंध्याचल माता जी का दर्शन करना है तो आप को अमर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे, तो अमर से अमरकंटक, सिंपल है। आगे है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है, जो कि आपके राजस्थान में पड़ती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? अरावली पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसकी सबसे पुरानी, इसलिए इसे हम गुरु बोलते हैं, तो गुरु शिखर, सिंपल है। अरावली गुरु शिखर याद रहता है सभी बच्चों को लगभग। आगे है अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? का है? कांगटो। क्या है? कांगटो है। ठीक है, कांगटो। ठीक है, याद करना है कांगटो। ठीक है, तो अरुण जो है कांगटो, कांगटो गया कहाँ? कहाँ गया? कांगटो, कांगटो। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पूर्वी घाट की, जब भी बोलेगा पूर्वी घाट, हम बताए थे पूर्वी घाट इधर पश्चिमी घाट इधर, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जीतगड्ढा। क्या है? जीतगड्ढा। जब क्वेश्चन पूछेगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जीतगड्ढा है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो क्या है? नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी। ठीक है, क्या है? नंदा देवी। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे है नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सारामती। क्या है? सारामती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये सब सिंपल है, बैठाना सिंपल, एक दो बार पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे है तेलंगाना, तेलंगाना की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धोलीगड्ढा। क्या है? धोलीगड्ढा। ठीक है, ये है कुछ इनकी ऊंची चोटियाँ। आइए और देखते हैं थोड़ा सा कुछ पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है। सबसे पहले मेघालय, मेघालय में कौन सी पहाड़ी है? गोरा खासी जयंतिया। कौन है? गोरा खासी जयंतिया, जो कि मेघालय राज्य में पड़ती है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। आगे है नागालैंड में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? तो नागा। ठीक है, नागा पहाड़ी नागालैंड में पड़ती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता है मिजोरम में कौन सी पहाड़ी है? तो मिजो। कौन सी पहाड़ी? मिजो पहाड़ी मिजोरम में पड़ती है। कुछ कुछ पहाड़ियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लेती हैं। आगे है साथियों अरुणाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ी है? तो डफला और मिसमी, ये जो है अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है पहाड़ियों से। आगे है गिर पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? तो गिर पहाड़ी आपके गुजरात में पड़ती है, या कहाँ पर? गुजरात में। क्वेश्चन पूछ सकता है अजंता की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में। आगे साथियों इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी कहाँ पड़ती है? आपके केरल
राज्य में। ठीक है, ये सब कुछ पहाड़ियाँ थी जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, इस वजह से हमको पढ़ाना जरूरी था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, थैंक यू।